हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। सोशल साइकोलॉजी में आज हम एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं द ऑटो काइनेटिक इफेक्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक्सपेरिमेंट समझ में भी आएगा और आप रिलेट कर पाएंगे कि हम कब अपनी लाइफ में इस तरह की कंडीशंस को या इन सिचुएशंस को फॉलो करते हैं, ये कब हमारे साथ होती हैं, राइट? तो चलिए सोशल साइकोलॉजी के इस एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं द ऑटो काइनेटिक इफेक्ट, इसको दिया था शेरिफ ने। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एक ग्रुप बिहेवियर को कंसिडर करते हुए क्रिएट किया था। जब भी हम किसी ग्रुप में होते हैं या किसी ग्रुप से जुड़ते हैं कहना चाहिए, तो उस ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो क्रिएट हो जाते हैं। इन नॉर्म्स को हम फॉलो भी करते हैं। अब जो ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से बन जाते हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस, कैसे हो जाता है ऐसा कि किसी भी ग्रुप के जो है वो नॉर्म्स बन जाते हैं और जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो उन्हीं नॉर्म्स के बेसिस पर उन रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, इसको टेस्ट करने की कोशिश की शेरिफ ने अपने द ऑटो काइनेटिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को लिया जिन्हें एक डार्क रूम में बिठाया। जब ये लोग डार्क रूम में बैठे तो फ्रॉम द बैक ऑफ द डोर, फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम एक बीम लाइट जो है वो वॉल पर थ्रो की गई। सभी लोगों ने उस बीम लाइट को देखा, उस लाइट पॉइंट को देखा। उसके बाद उस लाइट को बंद कर दिया गया। कुछ मिनट्स के बाद, सेकंड्स के बाद उस लाइट को दोबारा थ्रो किया गया और अब एक एक करके हर ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स थे उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से जो दोनों टाइम लाइट फॉल हुई है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है। सारे मेंबर्स ने अपने अपने आंसर्स दिए। उस टाइम पर ही आंसर्स इंडिविजुअली लिए गए, लेकिन आंसर्स लेने के बाद इस फर्स्ट स्टेप के बाद ही ग्रुप के सारे मेंबर्स को ऑल टुगेदर ये बताया गया कि सबने ये रिजल्ट्स दिए हैं, राइट? अब जब सबको ये मालूम चला कि ग्रुप के बाकी मेंबर्स ने इस तरह से ये डिस्टेंस बताई है, तो नेक्स्ट टर्न में डिफरेंस फील हुआ इन द रिजल्ट। अब जो आंसर आने लगा वो सबका काफ़ी क्लोज आने लगा। इस तरीके से बार बार उन कैंडिडेट से एक एवरेज डिस्टेंस के बारे में पूछा गया और सभी ने जो आंसर दिया वो एक यूनानिमस काइंड ऑफ आंसर आने लगा। वो सेम तो नहीं था बट वॉज वेरी सिमिलर। जो डिस्टेंस थी वो सबकी सेम आने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप में जो नॉर्म्स क्रिएट होते हैं उसको ग्रुप के सभी मेंबर्स फॉलो करने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस एक्सपेरिमेंट की ये थी कि जो लाइट थ्रो की गई थी वो अपने पॉइंट से मूव ही नहीं हुई थी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी। उनको जब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने, किसी ने भी वो उसका आंसर जीरो नहीं दिया। जब कहा गया कि डिस्टेंस है तो उसको डिस्टेंस मान लिया गया, राइट? तो ग्रुप का ये एक बिहेवियर देखने को मिला कि जिस तरीके की बात की जाती है वो उस तरह से ही सोचते हैं, उस एंगल से ही सोचते हैं। और दूसरी बात, ग्रुप के जो सभी मेंबर्स होते हैं वो एक रूल को फॉलो करते हैं। इसको एक जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप कुछ बच्चों को अपने सामने बिठाइए, या फिर हो सकता है आपने कभी इस तरीके की सिचुएशन के अक्रॉस आप आए भी हों। आप 7 to 8 स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाइए और एक क्वेश्चन पूछिए जो कि दैट कैन बी अ पजल और समथिंग विच हैज़ अ कॉमन थिंग। इसको हम कुछ नॉलेज बेस नहीं लेंगे। तो होता क्या है, शुरुआत में जो पर्सन होता है वो किसी वैल्यू को गेस करता है या आंसर को गेस करता है। बाद के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस सिमिलर आंसर को सोचने लग जाते हैं। जब वो ये सुनते हैं कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो एलिफेंट कहा है और मैं सोच रहा था कि इस पजल का आंसर आइस हो सकता है, तो उसका माइंड उस आइस से जंप करके एलिफेंट की तरफ चला जाता है। ये कहलाता है द ऑटो काइनेटिक इफेक्ट, जिसमें ग्रुप के मेंबर्स एक नॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और उस नॉर्म को फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करते हुए वो उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये था ऑटो काइनेटिक इफेक्ट, जिसमें एक्चुअली लाइट भी मूव नहीं की थी। लाइट जो है वो अपने पॉइंट से बिल्कुल भी मूव नहीं की थी, बट जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने डिफरेंट रिजल्ट्स दिए। तो ये था शेरिफ का द ऑटो काइनेटिक इफेक्ट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, अंडरस्टूड इट वेल। और अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो फॉर मी, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ रिलेटेड टू साइकोलॉजी, social psychology, cognitive psychology, and for all the competitive exams, which is available on my channel, you can go check out the playlist and get your part of the content which you are requiring, right? So see you soon in the next video. Thank you for watching. Take care. Bye bye.